आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि महुआ का ज्यादातर उपयोग देशी शराब बनाने में किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में 20 से 26 दिसंबर तक चलने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में अब महुआ से बने कई तरह के खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, जिसमें विंध्य हर्बल बरखेड़ा पठानी द्वारा तैयार किया गया महुआ का च्यवनप्राश और इसके बने लड्डू लोगों का मन मोह रहे हैं। वहीं प्रदेश की वनोपज का प्रयोग करके विदेशी महुआ की चाय पी रही हैं। यही वजह है कि महुआ का च्यवनप्राश लुग वनोपज ने तैयार किया है। मध्य प्रदेश लुग वनोपज संघ MD पुष्कर सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में इंडोनेशिया और फिलीपींस पहली बार शामिल होने आ रहा है, जो अपने यहाँ के हर्बल उत्पादन भोपाल वासियों के लिए लेकर आ रहे हैं। पुष्कर सिंह ने बताया कि सरका देशों सहित 12 देशों के वैज्ञानिक व प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में पहुंचेंगे। पुष्कर सिंह, प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ। ये हमारा 7 दिन का वन मेला है यहाँ पर, जिसमें कि जो तरह तरह की हमारी लघु वनोपज हमारे क्षेत्र में होती है, उससे लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो यहाँ पर बेचने के लिए लाते हैं, लोगों को डिस्प्ले करने के लाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने करीब 300 स्टॉल लगाए हैं, जिसमें सर न सिर्फ हमारे राज्य की बल्कि अन्य भी जो 10-12 राज्य हैं उन्होंने भी अपने यहाँ पे उनके प्रतिनिधि लोग आके अपने प्रोडक्ट लगाए हैं। नेपाल से भी एक स्टॉल यहाँ पे लगा है, और जो हमारे कई जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उद्यमी हैं, जो अपना ये इसमें लघु वनोपज से उत्पाद बनाते हैं, वो भी अपना यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। और बाहर से भी सर कुछ लोग आए हैं। हाँ, बाहर से भी आए हैं। इसमें क्या है, मेले में हम लोग स्टॉल लगाते हैं, कुछ लोग तो उसमें आते हैं, फिर हम कॉन्फ्रेंस करते हैं जहाँ पे कई वैज्ञानिक आते हैं, रिसर्च स्कॉलर आते हैं, तो दूसरे देशों के भी रिसर्च स्कॉलर ने इसमें भाग लिया। और तीसरा, हम यहाँ पे क्रेता विक्रेता सम्मेलन करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी लोग आए हैं और बड़ा अच्छा सफल क्रेता विक्रेता सम्मेलन रहा है। कितने स्टॉल लगे हैं इस बार? करीब हमारा जो क्रेता विक्रेता सम्मेलन हुआ करीब 28 करोड़ के उसमें एग्रीमेंट हुए हैं, और जो एक नई दिशा प्रदान करेगा हमारे लघु वनोपज के क्षेत्र में, जो लोग प्रसंस्करण से जुड़े हैं उनको एक अच्छा एक बाजार मिलेगा। मेले का इस बार जो थीम रखी है वो लघु वनोपज से आत्मनिर्भरता है। कैसे हम लघु वनोपज से, हमारे जो लघु वनोपज से जुड़े लोग हैं, संग्रहणकर्ता हैं, दूसरे दूसरी जो लोग हैं, तो किस तरह से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, किस तरह से अपना आजीविका उससे बढ़ा सकते हैं, वो इसकी थीम है। और वो मेले में यहाँ पे जो उत्साह और देखने को मिल रहा है, उससे वो काफी उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।